हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यम्मी रेसिपी जो कि हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी आलू टिक्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ यम्मी भी है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसे हमने बहुत ही इजी तरीके से कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं बर्गर में, या तो फिर अगला पैटीज जो बनाती है ना रमज़ान में, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, या इसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1/2 kg आलू लिया है, बॉयल आलू लेना है। यहाँ पे आलू का ऊपर वाला कवर निकाल करना इस तरीके से एक बाउल में हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ना मैंने लिया है पोटैटो मैश करने वाला, ये जो स्पून आता है ना वो, तो इस तरीके से हम इसे मैश कर देंगे। बहुत ही अच्छे से करना है, या आप ग्रेट भी कर सकते हैं खिसनी की हेल्प से। बस बारीक करना है इसे अच्छे से, पीसेस इसमें रहना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने इसे स्मैश कर लिया है, और इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें कि 1 teaspoon चिली फ्लेक्स जाएगा। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 1 cup मैंने फ्रेश हरे धनिया के पत्तों को बारीक कट करके ऐड किया है। 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा। उसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 teaspoon के करीब भुना कूटा ज़ीरा। यहाँ पर मैंने लिया है नमक 1 teaspoon के करीब। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, और उसी के साथ इसमें जाएगा 2 tablespoon भर के कॉर्नफ्लावर। इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है, और जो आलू टिक्की ना क्रिस्पी बन के रेडी हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। देखिए, जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, तब तक वीडियो को फटाफट से जाकर लाइक कर दीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल बाजार जैसी कुरकुरी क्रिस्पी आलू टिक्की बनके रेडी हो जाती है। रमज़ान में अफ्तार के लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इस तरीके से हम पैटीज बनाएंगे राउंड शेप देकर। तो देखिए, जब हम कॉर्नफ्लावर इसमें डालते हैं ना, तो ये चिपचिपा सा बैटर नहीं बनता है, स्मूथ बैटर बनके रेडी हो जाता है हाथों से। इस तरीके से आपको जिस साइज़ की बनानी है उस साइज़ की टिक्की बना सकते हैं आप, छोटी बड़ी। तो इस साइज़ की मैं बनाऊंगी, क्योंकि आप बर्गर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मतलब किसके लिए बना रहे हैं। बर्गर के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी बड़ी वाली साइज़ की ही बनानी है। बर्गर बन जो है ना आपका, जो साइज़ का है वही साइज़ की बनानी है। या रगड़ा पैटीज़ के लिए बना रहे तो छोटी छोटी टिक्की बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग कर लिया है इसकी। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं ब्रेड क्रम्स, या तो जो हमारे घर में ब्रेड बचे हुए होते हैं ना, उसे मिक्सी के जार में पीस लेना है फाइन, तो ब्रेड क्रम्स बनके रेडी हो जाता है। बहुत ही आसान है। तो देखिए, जितने भी पैटीज हैं ना, सब इसी तरीके से मैं बनाऊँगी राउंड शेप देकर। और इन पैटीज़ को है ना, मतलब कि आलू टिक्की को, आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जैसे कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसे बनाकर आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि एक दूसरे को चिपके ना, एयर टाइट कंटेनर में बीच में पॉलीथीन का पेपर डालना है और फिर रखना है। और जब आपको फ्राई करना है तो तब निकाल लीजिएगा आधा घंटा पहले फ्रीजर से। फ्रीजर में रखना है, नीचे नहीं रखना है। इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया था। डीप फ्राई नहीं करेगी, इसे शेडो फ्राई करेगी। और देखिए, ऑयल भी कितना कम लगता है इसे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना 1/2 cup ऑयल लिया था, उसे गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम को लो कर दिया था जैसे ऑयल गर्म होता है। और स्पेस रखकर इस तरीके से आलू टिक्की को हम ऐड कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, क्योंकि हमने कोटिंग किया है ब्रेड क्रम्स की, तो क्रिस्पी होना तो लाजमी बनता ही है ना। तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसे हम पलट देंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद। दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक, और ये फटाफट से फ्राई भी हो जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। इसके लिए रमज़ान के लिए परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, जो पुदीने की चटनी आती है ना उसके साथ, या टोमेटो केचप के साथ भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। जैसे कि मैंने बताया रगड़ा पैटीज, मेरी नेक्स्ट वीडियो रगड़ा पैटीज की आने वाली है, तो उसे ज़रूर वॉच करना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल पर आप लोगों को रमज़ान स्पेशल रेसिपीज वॉच करने मिलेंगी। इसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो ये दोनों साइड से हो चुका है, जैसे मैं बता रही हूँ, देखो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी यहाँ पे आलू टिक्की बनके रेडी हो गई है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, या टिश्यू के ऊपर भी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाया है। बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, समय भी नहीं लगता है, और मेहनत भी कम लगती है। तो ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।